हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं हूँ जयपुर में, और जयपुर में मेरा ये जो डे थर्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। और कल मैं जाऊँगा वापस दिल्ली की ओर। तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ वेदर का हाल। आज वेदर कुछ जयपुर में डाइसी है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं बादल लगे पड़े हैं, माइट भी बारिश होने की संभावना है देर तक। और दिखाने की कोशिश करता हूँ आज भी कुछ नई चीज़ें आप लोगों को जयपुर में। काफ़ी सुंदर नज़ारा है जयपुर में, और मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन दो दिनों में, और काफ़ी जगह मैंने एक्सप्लोर की यहाँ पे। आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है आज के ब्लॉग में। बने रहे हैं यार, और जो भी लोग प्लीज़ नए हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो। गाइस फाइनली मैं हूँ अपने इवेंट के लोकेशन पे, और ये जयपुर में मेरा तीसरा दिन है, और कल मैं दिल्ली की ओर चले जाऊँगा जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और फाइनली ये है इवेंट का लोकेशन द गुलमोहर, जो कि जयपुर में है। और आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ यार, जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं तो इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितने लोगों का हाथ होता है, और कितने लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कितनी टीमें लगी रहती हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। नॉर्मल होता है यार, हम लोग कई बार कमेंट कर लेते हैं कि चीज़ें अच्छी नहीं थी, खाना अच्छा नहीं था, जगह अच्छी नहीं थी, या डेकोरेशन अच्छा नहीं था, मगर आप लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए जो बड़ी टीम उसके पीछे लगी रहती है। नेगेटिव कमेंट से बचना चाहिए। तो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मैं डिटेल में अंदर, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बिफ़ोर और आफ्टर। अभी बिफ़ोर वाला सीन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जब डेकोरेशन हो रहा होता है तो कितने लोग लगे रहते हैं, और डेकोरेशन होने के बाद में वो कितना सुंदर लगता है डेकोरेशन। और अभी फाइनली मैं हूँ द गुलमोहर पे, और दिखाने जा रहा हूँ इनसाइड का नज़ारा। लेट्स गो। अब फाइनली मैं अंदर इंटर करने वाला हूँ, और जो कि इनसाइड का एरिया है, और कुछ इस टाइप से व्यू है इस जगह का। जो ये स्ट्रक्चर बना है काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए जयपुर और राजस्थान में जो भी घर होते हैं अधिकतर उसमें स्टोन का यूज किया जाता है, वाइट स्टोन का, मार्बल का। और उसके अलावा जो उसका कलर कॉम्बिनेशन होता है वो वाइट थीम ज़्यादा रहती है बिल्डिंग्स की। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, जो सामने आप लोगों को बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो गुंबद बन रखे काफ़ी सुंदर गुंबद है। और नॉर्मली जो भी राजस्थान में घर होते हैं, चाहे छोटे घर हो या बड़े घर, और छोटे छोटे ऐसे इस टाइप के जो गुंबद बन रखे, इस टाइप के कुछ आकार बने रहते हैं उसमें, और जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। देख के चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका एंट्रेंस है, और जो ये स्टैंड है माइट भी इसके अंदर कुछ कैंडल्स या कुछ लाइट जलने वाली है रात को। और ये बिफोर वाला अभी जो है डिटेल में दिखा रहा हूँ, और आफ्टर जब कैंडल्स सारी जल जाएंगी किस टाइप से दिखता है ये दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बने रहे, और जैसे कि मैंने बताया था यार कितने लोगों की मेहनत लगी रहती है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भैया डेकोरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी मेहनत का काम है जो कि फ्लावर्स लगा रहे हैं, और लगाने के बाद में दिखाओ कैसा दिखता है। बता दो भैया आप कहाँ से आए हो? कलकत्ता से आए हैं। तो अधिकतर आप लोगों को बता दो, जो भी डेकोरेशन का काम होता है फ्लावर का काम, वो कलकत्ता के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सुंदर करते हैं, और इसमें काफ़ी परफेक्ट रहते हैं। और एक ये भैया भी यहाँ पे डेकोरेशन का काम करें। कैसे भैया, कैसे हो आप, किधर से हो आप? कलकत्ता? ये भी कलकत्ता से हैं। जो गुलमोहर करके जो फार्म हाउस है गुलमोहर के नाम से, कुछ इस टाइप से दिखता है, काफ़ी सुंदर इसकी बनावट है। और अधिकतर जो भी राजस्थान के घर और हुआ करते हैं इसी टाइप के हुआ करते हैं, अधिकतर जो पैलेस हुआ करते थे पहले इसी टाइप की डिज़ाइन से हुआ करते थे। और ये एक और एंट्रेंस गेट बना रखा है, अभी इसमें डेकोरेशन का काम चल रहा है। दादा कैसे हो?
बढ़िया। किधर से? कलकत्ता? हाँ सारे लोग कलकत्ता से हैं। कुछ इस टाइप से इंट्रेंस है इसका। और जब भी इंडिया के अंदर में जो वेडिंग इवेंट्स होते हैं या कुछ भी इवेंट होते हैं उसमें वो थीम बेस होता है अधिकतर। और इंडिया की शादी पूरी दुनिया में पॉपुलर है। यहाँ पे एक दिन की नहीं कई दिन की शादी होती है क्योंकि अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो 3 से 4 दिन की शादी होती है नॉर्मली, जिसमें आपकी हल्दी होगी और शादी होगी, रिसेप्शन होगी, ये सारी चीज़ें। और फाइनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ फ्लावर का जो आर्टवर्क है, गुलदस्ते बन के रेडी हैं और इनको अभी प्लेस करना बाकी है। यहाँ पर भी डेकोरेशन का काम चालू है कुछ। भैया कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। किधर से? कलकत्ता से सारे लोग? कलकत्ता के जो लोग हैं ना वो काफ़ी माहिर हैं फ्लावर आर्ट में। अभी कौन सा फूल यूज़ कर रहे हो? हाँ अच्छा, ये किधर से आता है फ्लावर? दिल्ली। दिल्ली से? मैक्स। मैक्स, हेलो मैक्स, वेरी फ्रेंडली यार, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा। सो फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं सर के साथ में। वसी नेम सर? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। और जो कि ये जो गुलमोहर है उसके जनरल मैनेजर हैं। और इनके साथ में बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक यू मैक्स। मैक्स भी बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही वेलकमिंग है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप लोग देख सकते हो यार कितनी मेहनत का काम है और कितने सारे लोग लगे हुए हैं। अभी फ्लावर का ही डेकोरेशन चला है और उसके अलावा अलग अलग टीम में अलग अलग काम कर रही है। कुछ लोग लाइटिंग का सेटअप कर रहे हैं, साउंड का सेटअप चल रहा है। और ये मेन लोन है जहाँ पे आज डिजाइन बने आज की रात का इवेंट। जबरदस्त नीचे आने के बाद में कोई बड़ा सा लॉन है, उस लॉन के बाद में डिफरेंट आप लोगों को दिखा दें। अभी सारी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे कुछ लोग लगे हैं, यहाँ पे माइट भी आज रात को कुछ एंटरटेनमेंट होने वाला है और जिसका सेटअप भी लगा पड़ा है अभी। और कुछ इस टाइप से दिखता है ये बैलेंस। माइट भी ये जगह ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ रिसेप्शन होने वाला है, साथ ही यहाँ की शूटिंग लगी पड़ी है। और यहाँ पे कुछ लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है। और जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ये है मंडप। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग लगे पड़े हैं, इसमें फ्लावर का डेकोरेशन हो रहा है अभी। और ये है मंडप वाला एरिया। कैसे दादा, ठीक हो?
फाइनल टचअप दे रहे कलर का, क्या कलर लगा रहे हो? तुम लगा के दिखाओ। ये जो मंडप पर रखा है ये एक दिन के लिए, ये सारा एक दिन के लिए बनना है, कल टूट जाएगा ना, तो ये जो सारी मेहनत है ये एक दिन के लिए है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रखा है ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, अब जब ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में ये सारे को डिमोलिश कर देंगे, तोड़ देंगे और वापस ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो काफ़ी सुंदर सा सेटअप है और इस एरिया में बाहर का सेटअप हो रहा है जो कि आइस से बन रहा है, आइस के स्लैब से। और ये कैटरिंग की टीम में सब लोग बैठे पड़े यहाँ पर, इस एरिया में बुफे का सेटअप हो रहा है जहाँ पे पूरा खाना लगने वाला है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, ये बिफोर का सीन है, जब एक बार ये सारी चीज़ें बन जाएंगी उसके बाद में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कैसे किस टाइप से सेटअप दिखता है। और यहाँ पे ये भैया सफाई कर रहे हैं तो सफाई का काम चला पड़ा है, ये भी सारा रिलेटेड बुफे के रिलेटेड ही है, सारी डेकोरेशन की आइटम्स हैं और ये सारी टेबल्स हैं जो बुफे में लगे हैं। और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल का सेटअप अभी चालू है, दादा कैसे हैं? तो ये कुछ एरिया बना है जिसमें ये डाइनिंग के लिए बना पड़ा है। ये कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? सारे दिल्ली से हो क्या? नहीं सर, जयपुर से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सफाई का काम है, जो भी लोग कुछ इवेंट कर रहे हैं तो वो लोग आपको बुला सकते हैं, बुलाते हैं, बुलाते ना आपको। सर आप लोगों के साथ में एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं मेरी वेडिंग से होती है इंडिया के अंदर में, तो उसमें एक ट्रेडिशन होता है जो भी जो घर के लोग होते हैं, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके लिए एक अलग सा डाइनिंग एरिया होता है जो कि ये है, और उन लोगों को एक स्पेशल टाइप की सर्विस दी जाती है, क्योंकि ये स्पेशल एरिया है उनके लिए डेडिकेटेड। और इसका भी अभी काम चालू है, एक बार कंप्लीट होने के बाद में कैसा लगता है आप लोगों को दिखाएंगे। और ये जो मैं डेक्टरी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फूल का जो डेकोरेशन का काम है, गुलदस्ते भी बन रहे हैं और जो भी फ्लावर आर्टवर्क है वो टेबल पर लगना है, उसका काम चालू है। दादा कैसे हो? ये फ्लावर जो आर्ट वर्क है वो कहाँ पे लगना है? टेबल पे, टेबल का आर्ट वर्क है। सारे लोग कलकत्ता से हो? वेरी गुड। ये क्या बना रहे हो आप? अच्छा, जो ऐसे दुल्हन के साथ में जाएगा। वेरी गुड, जो दुल्हन के साथ में जाएगा ये स्पेशल एक चादर बना है, इसमें सारे फ्लावर्स लगेंगे। कौन सा फ्लावर लगेगा दादा? गुलाब और रजनी गेंदा लगेगा। तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा बाद में, ये बनने के बाद में कैसा लगता है। और बहुत ही बड़ी टीम लगी पड़ी है जो फ्लावर का डेकोरेशन हो रहा है उसके लिए भी। चाय है भैया? चाय पिलवा दो यार। भाई कितना बड़ा सेटअप है यार, कितने सारे लोग लग रहे हैं सेटअप में, देखो मेरे पीछे आप लोग। थैंक यू यार, थैंक। आपका टीम लगा है क्या? ये आपके लोग हैं? ये हमारे तालुका की टीम है, टैंक की टीम है।
माइट भी ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और यार स्केप मत करना, देखते रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली लोग वीडियोस में अपने ब्लॉग्स में ये सारी चीज़ें दिखाते नहीं हैं, तो फील में आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये इंफॉर्मेशन अच्छी भी है सारे लोगों के लिए। दादा कैसे हैं? ये क्या बना रहे दादा, चादर के लिए? हाँ, ये क्या है, ये फ्लावर जो आपने लगा? भाई दोबारा करना, भैया दोबारा करना भाई, ये चीज़ कोई नहीं दिखाएगा आप लोगों को। ये सफ़ेद जो फ्लावर्स हैं उसको कैसे लाल करते हैं भाई ने मेहनत पे, एकदम सारा कलर का यूज हो रहा है। तो यार ये सारे सीक्रेट हैं, जब भी ऑपरेशन होता है जो दिखता है वो होता नहीं है। और जो ख़त्म हो गया क्या? वाह, तो जो वाइट फ्लावर, ये सारी अपनी कैटरिंग की टीम लगी पड़ी है आप लोग यार, ये सारे बहुत काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। अभी ये बिफोर द शो है, जो आफ्टर शो होगा सारे लोग अपने चेंज कर लिए हैं, सारे लोग कैसे दिखते हैं किचन में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बैक किचन है, यहाँ से ये इवेंट के लिए जो स्नैक्स हैं स्टार्टर्स हैं उसके लिए किचन है। तो एक बार सेटअप हो जाएगा किचन में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये सारे काम पे लगे पड़े हैं और कुछ इस टाइप से नज़ारे हैं। यहाँ पे आ जाए यार, दिखा ले, क्यों क्यों शर्मा रहा है? सारे लोग लगे पड़े हैं मेहनत के काम पे। हाय, हेलो हेलो, हाय एवरीबॉडी, हाँ सबका स्वागत। दादा ये लगभग बन के रेडी है, तो ये क्या बंदा बोला आपने, जो दुल्हन के साथ में जाता है ना चादर, जिसमें बीच में दुल्हन चल के जाती है, चालक पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं आप, इसमें अभी क्या क्या लगेगा? जिसको लगेगा यार देखो कितनी मेहनत का काम है, चार पांच लोग लगे पड़े हैं अभी। और कितना घंटा लग जाता है इसको बनाने में दादा? मतलब एक दो घंटा लग जाता है ना, देखो एक दो घंटा लग जाता है, चार से पांच लोग लगे पड़े हैं अभी, फ्लावर का डेकोरेशन हो रहा है। और ये वो चीज़ है जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इंडियन वेडिंग का जिसका होता है जो दुल्हन बीच में चलती है और जय माला के लिए जाते हैं, तो उसमें चार लोग उसको पकड़ रहे होते हैं, जो फैमिली वाले लोग होते हैं, तो उसके बीच में इसको एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं। और काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखते हैं मैं आपको डिटेल में दिखाऊँगा, बाकी एक बार ही बन के ये रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी मेहनत का काम है। और ये फ्लावर का नाम क्या, ये वाला कौन लगा रहे हैं, वाइट वाला? गाइज जैसे कि आप लोगों को मालूम है यार, मैंने पहले आपको बिफोर वाला लुक दिखाया था, जो डेकोरेशन से पहले क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कितने लोग काम पे लगे पड़े थे, किस टाइप का काम चल रहा था। तो अभी मैं दोबारा आ गया हूँ, अभी रात हो चुकी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है गुलमोहर। अब डिटेल में दिखाने जाता हूँ आफ्टर जो डेकोरेशन पूरा काम ख़त्म होने के बाद में कैसा लुक होता है और कैसा दिखता है अंदर का नज़ारा। लेट्स गो, लेके चलता हूँ। सारी चीज़ें ऑन द प्लेस हैं, ये आफ्टर वाला नज़ारा है सारा, सारी चीज़ें ऑन द प्लेस हैं और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है ये।
काफी सुंदर फाउंटेन्स भी हैं। काफ़ी सुंदर सा डेकोरेशन होने के बाद में, और ये वाइट कलर का फ्लावर था जिसमें स्प्रे करके इसका कलर चेंज किया गया था, आप लोगों को दिखाया था मैंने। अभी मैं लॉन के अंदर जाने वाला हूँ, आपको दिखाता हूँ लॉन कैसा लगता है आफ्टर डेकोरेशन। ये स्पेशल पिज्जा का काउंटर है। ट्राई द वर्ल्ड्स बेस्ट पिज्जा। थैंक यू। ये आफ्टर वाला लुक है, और आफ्टर वाले लुक में आप लोग देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है, सारी चीज़ें बनके रेडी है। ये फाइनल लुक है इसका। तो काफ़ी सुंदर सा ये कंप्लीट लुक है मंडप का, और यहाँ पे परफॉर्मेंस होनी है जो कि पूरा कम्प्लीटली रेडी है। शायद ये कोई जयमाला वाली जगह है, या काफ़ी सुंदर सी सेटिंग है। यहाँ की सेटिंग भी आप लोगों को दिखा दो। तो ये जो बार है ये आइस बार है, आइस से बना हुआ है।
फाइनली सेटअप कंप्लीट हो चुका है जो वीवीआईपी एरिया है बैक साइड पे, आप लोगों को डिटेल में दिखा देता हूँ कैसा लगता है सेटअप होने के बाद में। हैंड टोस्टेड पिज़्ज़ा काउंटर है, तो डिटेल में आप लोगों को दिखा दूँ। ये सारे हैंड मेड पास्ता सॉरी पिज़्ज़ाज हैं। ये क्या बना रहे हो? दाल का बड़ा। ये क्या बना रहे हो? तेरी हर एक नज़र लगी सबसे जुदा तुझ पे।